आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक, आज पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअली बैठक। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना के ज्यादातर रोगी घर पर हैं, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई। डीडीएमए की बैठक में बड़ा फैसला, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद करने का आदेश, सभी बार रेस्टोरेंट भी रहेंगे बंद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ली बूस्टर डोज, कहा लोगों को डरने की जरूरत नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,063 नए संक्रमित मिले, 277 लोगों की जान गई। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह ने प्रेस वार्ता की। लगभग 40 मिनट की प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों से सवाल के जवाब दिए और कहा कि संगठन के हाईकमान के आदेशों पर हमारे संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्षेत्र और तमाम ग्रामीण अंचलों में जा जाकर सनातन धर्म की कैसी रक्षा करनी है, इससे जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेस वार्ता में हिस्सा लेने आए बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारा संगठन इस समय 90 देशों में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म और अपनी भारतीय संस्कृति को बचाए रखना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा 90 देशों में पूरे हिंदू समाज से संपर्क है, हमारा 28 देशों में कार्यालय है और हमारा हिंदू समाज को पूरे विश्व में एक साथ एक धागे में पिरोने का संकल्प है और उनको ये अपने सनातन अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी देना और उनको उनके तक पहुंचाना, वो विश्व के किसी भी कोने में हो तो उनको ये जानकारी देना बीएचपी का संकल्प। प्रांतीय बैठक थी प्रांतीय कार्यालय में हमारे काशीपुरम में। उस बैठक में हमारे संगठन के सिंधु परिषद ने केंद्रीय पदाधिकारियों ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, जो अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कार्यवाहक के रूप में ये कार्याध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली है। इसमें अपने हिंदू समाज को संगठित करना है, समाज के लिए काम करना है और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके समाज की भलाई के लिए। आचार संहिता की घोषणा होने के बाद यूपी के औरैया जनपद में आज जिला अधिकारी औरैया ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में हर चुनाव में जो मत प्रतिशत रहता था उसको बढ़ाने का प्रयास अब की बार रहेगा। हर बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत 59 या 60% तक ही रहता था, जिसको बढ़ाकर 65 से 70% तक करने का दावा जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ियों समेत कई अन्य विकल्पों का भी साधन जिला प्रशासन ने लेने की बात कही है। जिला अधिकारी औरैया ने बताया कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और मतदाताओं को बूथ पर जाकर मतदान करने के अपील के साथ साथ यथासंभव मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा किए जाने वाली रैलियों, चुनावी खर्चों इत्यादि पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कोई भी अगर प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की दी हुई गाइडलाइंस को तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तो जो आपकी मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी होती है वो है जो इस बात को देखती है कि वास्तव में मीडिया में क्या चीजें चल रही हैं, वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, एमसीएमसी टीम कहते हैं, मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग टीम। इसके अलावा जो दूसरी कमेटी होती है वो स्टैटिक सर्वेलेंस वाली, एसएसटी कहते हैं उसको, वो एक जगह स्टैटिक होके इस चीज का निपालन करते हैं कोई गाड़ियां होटल पोस्टर बैनर के साथ वहां पर ना जाए। एसएसटी में हमारे मजिस्ट्रेट्स होते हैं, इसके अलावा जो पुलिस के पुलिस फोर्स के लोग हैं वो होते हैं, दोनों कंबाइन होकर
वो पॉइंट्स हम लोग निर्धारित कर देते हैं और वहां से कोई इस तरह की मंथन वाली कार्य। खबर आगरा से है जहां बाहुबलियों की जमीनों की तर्ज पर अब मंदिर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर निगम और प्रशासन की टीम ने चोरी छिपे आधी रात में सुल्तानगंज की पुलिया पर बने मंदिर में तोड़फोड़ की। नियमावली के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह की तोड़फोड़ की प्रशासन को इजाजत नहीं है। वहीं मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही कई हिंदूवादी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद कई हिंदूवादियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। खबर संभल से है जहां सपा विधायक इकबाल महमूद का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने कहा कि अगर कोई इंसान कुछ करके कहे तो ठीक है, लेकिन सीएम योगी कुछ नहीं कर रहे हैं। ना किसानों की आय दोगुनी हुई है और कुछ अब समय आ गया है कि जनता वोट के जरिए घृणा और भेदभाव की राजनीति करने वाले को मुंहतोड़ जवाब दे। भाजपा बस बयान देकर हिंदू लोगों को खुश करने में लगी है। साथ ही सीएम योगी के 80 और 20 वाले बयान पर भी विधायक ने कहा कि चुनाव में आप कि हमारी तरफ 60 होंगे और उनकी तरफ से 40 रह जाएंगे। उनका बयान बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी पार्टी किसी समुदाय के विरुद्ध कह ही नहीं सकती कुछ भी। व्यक्ति के बारे में तो कहा जा सकता है, मगर किसी जाति किसी बिरादरी के बारे में कोई ऐसी राय नहीं रखता। हिंदू भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं और हम सब में मेल है। इस बयान से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुझे ताज्जुब होता कि जब कोई आदमी कुछ करे उसके बाद ये कह सकते कि हमने इतना कुछ कर दिया और हम अगर इनके लिए गर्दन भी काट दें तो हम ये नहीं कर सकते। करा क्या उन्होंने हमारी गर्दन में। खबर फतेहपुर से है जहां पर बहुवा ब्लॉक में भ्रमण के दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल किसानों की समस्याओं से अवगत हुई। किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उन्हें धान विक्रय करते हुए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिंगर वेरिफिकेशन ना होने के कारण पैसा रुका हुआ है। इन्हीं सब समस्याओं को देखने के लिए गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष लदिंगवा क्रय केंद्र पहुंची। वहीं मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया कि अब ऐसी कोई समस्या नहीं हो पाएगी और दोबारा आना नहीं पड़ेगा। सर्वर ना होने की वजह से ऐसी दिक्कतें आई हैं। मैं भ्रमण के लिए निकले हुए थे, हम गए लदगवा कांटा में, वहां पे किसानों की समस्याओं को देख करके हमें थोड़ा दिल में ये लगा कि देखो किसान का धान तौला नहीं जा रहा है और बरसात हुई है तो धान भीग रहा है। हमारी बात हुई एमआई साहब से तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आज हम जल्दी धूप खुली है तो करवाए दे रहे हैं। और हमें भी दिक्कत आ रही क्योंकि सर्वर नहीं है, फिंगर लगाने में भी लोगों को दिक्कत आती है। आज हमने उनको थोड़ा बताया, अपने हिसाब से समझाया तो उन्होंने कहा कि आपको। खबर संभल से है जहां एक तरफ जहां योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि गरीब तक रिफाइंड राशन नमक घर घर पहुंचेगा, मगर राशन डीलर बेईमानी और भ्रष्टाचार में अब इतने लिप्त हो चुके हैं कि दबंगई पर उतर आए हैं। राशन डीलर योगेंद्र जब रिफाइंड चना देने से मना कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राशन कार्ड धारकों ने डीलर योगेंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले महीने भी इन्होंने मशीन में अंगूठा लगवा लिया था पर राशन नहीं दिया था। तो संभल से ये खबर सामने आई है जहां राशन डीलर की दबंगई देखने को मिली है। कोटेदार ने ग्रामीणों को राशन देने से मना कर दिया और ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए हैं, जिसमें से एक आरोप ये भी है कि दुकानदार अंगूठा लगवा लेता है ग्रामीणों का लेकिन राशन नहीं देता है। तो एक तरफ जहां सरकार कई दावे और वादे कर रही है और ये कह रही है कि गरीबों तक रिफाइंड राशन नमक घर घर पहुंचाएंगे, मगर राशन डीलर बेईमानी और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं, पूरी तरह से इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं और अब इनकी दबंगई भी देखने को मिल रही है। राशन डीलर योगेंद्र ने जब रिफाइंड चना देने से मना कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और राशन कार्ड धारकों ने डीलर योगेंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले महीने भी उन्होंने मशीन में अंगूठा लगवा लिया था पर राशन नहीं दिया था। 15 किलो 6 यूनिट रुपए 15 किलो 15 किलो 6 यूनिट रुपए ऑनलाइन करते हो, बात देते नहीं है। आपके लिए ना बहुत सुविधा दे रखी है सरकार ने। सरकार ने तो दे रखी है, गांव वाले तो ये तो खा रहे हैं। 6 यूनिट में और फंड की थैली और कुछ नहीं मिलता। अगले महीने में ना मिली ना कुछ नहीं मिला।
इरशाद और क्या रहे वो क्या नाम है उसका इरशाद बोले कि लेना हो तो ले लो ना तो जाओ राजस्थान कह रहे हैं वो कभी कभी कह रहे हैं 3 किलो दे दें कभी 4 किलो दे दें एक यूनिट पे प्रधान वगैरह प्रधान के हाथ में क्या प्रधान की तो मान ही ना रहे प्रधान को तो और चोरियाँ लगा रहे हैं जब गत्ता मांग रहा और ये मांग रहा है गोरखपुर में कई छात्राएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची जहां पर छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधक पर धोखाधड़ी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के छात्रों ने बताया कि 3 सालों से दाखिला होने के बाद भी उनका एग्जाम नहीं हुआ है। पुलिस और जिला प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है, जल्द ही जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो गोरखपुर से भी बड़ी खबर सामने आई है जहां छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे नाराज होकर आक्रोशित होकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। गोरखपुर से ये खबर है जहां कई छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधक पर धोखाधड़ी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के छात्रों ने बताया कि 3 सालों से दाखिला होने के बाद भी उनका एग्जाम नहीं हुआ है। पुलिस और जिला प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है, इसका भी आरोप लगाया। साथ ही जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, इस पूरे मामले के जानने के बाद यह आश्वासन दिया गया है कि इसकी जांच सौंप दी गई है, जल्द ही जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एडमिशन के नाम पे हम लोगों से डोनेशन लिया जाता है, एक किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 90,000 से डोनेशन लिया जाता है। और हमसे कहा जाता है कि आपका मेडिकल फैकल्टी है, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी है, जबकि हम लोगों का एग्जाम 3 साल से नहीं हुआ है। और जिन पैरामेडिकल वालों का एग्जाम हो गया है उनको फर्जी डिग्री दिया गया है। अगर NHM का कोई वैकेंसी आता है उत्तर प्रदेश NHM का, उसमें वो डिग्री शो नहीं करता, वो डिग्री उठाता नहीं है, वो रिजेक्ट बता देता है। सर हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन से बहुत बार कहा, कई बार लिखित शिकायत भी दी है कॉलेज सर प्रशासनिक अधिकारी से नहीं कहा, क्योंकि 2 साल सर कोरोना था, सर डायरेक्टर भी बोलते थे कोविड है, कोविड में कोई सुनवाई नहीं होगी। और सर हर कॉलेज में 2 महीने का अगर कॉलेज चलता है तो उसमें 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, जबकि इस कॉलेज में ना इंटर्नशिप का कोई व्यवस्था है, ना कोई लाइब्रेरी, ना कोई लैब का व्यवस्था है सर। और जी सर मांगे यही है कि कॉलेज का पेपर में है कि कॉलेज फर्जी है सर, या तो DM साहब या फिर CMO साहब हम लोग को अप्रूवल दें कि कॉलेज गवर्नमेंट फर्जी है, या फिर कॉलेज का कोई मान्यता है, या फिर हमारा एडमिशन कहीं और ट्रांसफर करें। बस देखिए आज यहाँ कलेक्ट्रेट में राज नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज के कई विद्यार्थी जो थे एकत्रित हुए थे, उन्होंने किसी पेपर में कटिंग पढ़ी थी कि यह जो विद्यालय है इसको फर्जी घोषित कर दिया गया है, तो उस संबंध में उनको अपने भविष्य को लेकर चिंताएं थी, जिसके संबंध में यहाँ पे कई भारी संख्या में छात्र एकत्रित हुए थे। तो इस पूरे मामले की जाँच जिलाधिकारी महोदय के द्वारा CMO साहब को दी गई है और उनको जल्दी जल्दी इस पर रिपोर्ट देने को कहा गया है, और बच्चों की सभी मांगों को सुना गया और उनको हॉस्टल से निकाले जाने की मांग थी, कॉलेज को लेकर कई समस्याएं थी और एग्जाम्स को लेकर समस्याएं थी, सभी मांगों को सुना गया है, उनका ज्ञापन ले लिया गया है। CMO साहब की टीम इस पर जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट आते ही अगर कॉलेज फर्जी होगा तो उस पर। जनवरी का महीना पीक पर है और आम जनमानस कड़कड़ाती ठंड से बेहाल है, लेकिन शहर के हर चौक चौराहे और रैन बसेरे में अलाव की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिस नगर निगम पालिका परिषद पर है वो कहीं ना कहीं अपने इस काम में फेल नजर आ रहा है। जिला अस्पताल का स्थायी रैन बसेरा हो या सर्दी में बनाए गए अन्य अस्थायी रैन बसेरे, अलाव के लिए नगर पालिका की तरफ से भेजी जाने वाली लकड़ी पूर्ण रूप से इन रैन बसेरों में नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण इमरजेंसी में रात बिताने वाले लोगों को भयंकर सर्दी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में नौकरी करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि रैन बसेरे में अलाव के लिए लकड़ी नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो वहीं नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक राजेश यादव, जिन्हें अलाव प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका है कि नगर पालिका रेलवे स्टेशन बस स्टैंड रैन बसेरे में अलाव की व्यवस्था की गई है, हम लोग अधिकारियों के साथ अलाव की व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं, फिलहाल इस बार जितनी ठंड देखी जा रही है नगर पालिका की तैयारी नाकाफी मानी जा रही है। शहर में जो मुख्य बिंदु है रैन बसेरा है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रमुख तौर पर चलाया जा रहा है।
सर आप अलाव जलवाते हैं सामने खड़े होकर? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम है, नगर पालिका के बहुत कर्मचारी लगे हुए हैं, सारी सफाई निरीक्षक के साथ साथ सारी सभी लोगों की ड्यूटियाँ हैं इसमें, हमारे अशासकीय अधिकारी महोदय भी हैं, सब लोग विजिट पे हैं और प्रशासन स्तर से भी अधिकारी अध्यक्ष महोदय हमारे सब लोग विजिट भी करते हैं और सभी अलाव के लगभग रेनबेसरों की सबकी जाँच पड़ताल करते हैं, जहाँ कमियाँ होती बताते हैं जो तत्काल दूर किया जाता है। देखा रेनबेसरी जो जिला स्तर के अंदर है वहाँ लकड़ी नहीं आती क्या नगर पालिका की? लकड़ी जी नहीं, यहाँ अभी तक तो नहीं है। ये लकड़ी कब से नहीं आ रही है आपको? अभी ठंडी से अभी तक एक बार भी नहीं आई वहाँ पे, कई रेनबेसरा में नहीं आई है, बाकी का मुझे पता नहीं कहीं आई हो अस्पताल में जी, हमारे रेनबेसरे में नहीं आई। वहाँ पे जो लकड़ी गिरवाते हैं बोलते हैं हम लकड़ी हर जगह गिरवा रहे हैं, क्या यहाँ पर नहीं आती लकड़ी? ये तो आप लोगों का काम है ना, आप लोग जानिए गिरवाते हैं कि नहीं गिरवाते हैं, आप लोग अपनी देख करिए, ये तो आपका आपकी जिम्मेदारी, हमारे यहाँ नहीं है। कहता बस स्टॉप पे लकड़ी क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कैसे क्या लकड़ी की यहाँ कहूँ व्यवस्था रहा थी, एक दिन दो दिन गिरती है उसके बाद में व्यवस्था खत्म हो जाती है यहाँ। तो क्या ज़्यादा लकड़ी यहाँ गिरी थी बस स्टॉप? गिरना चाहिए होगा, आदमी मुसाफिर आता है जालन के मारे छुटना चाहिए, कहाँ जाए आदमी। तो बस स्टॉप अंदर लकड़ी गिरती है बाहर नहीं गिरती है? बस स्टॉप के अंदर गिरती है, थोड़ी बहुत उधर गिर जाती है, बाकी यहाँ बस स्टॉप पर गिरती नहीं लकड़ी। वहाँ पे बस स्टॉप कुछ लकड़ी गिरती है वहाँ कहना कि वहाँ लकड़ी जलती नहीं है, गीली लकड़ी आती, क्या कहना? गीली लकड़ी अंदर जो गिरती है बस स्टॉप के अंदर गीली लकड़ी गिरती है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।